विभीषण राम की शरण में आया। और पता है जब विभीषण आया तो राम ने उसे क्या संबोधन किया, कौन बताएगा? नाम तो विभीषण था उसका, लेकिन जब राम ने देखा तो विभीषण को विभीषण नहीं कहा। उस समय संबोधन से व्यक्ति की पहचान होती थी। आप में से कौन जानते हैं कि जिस समय विभीषण राम के शरण में आया तब राम जी ने विभीषण को क्या शब्द बोला था? हाँ, आओ लंकेश, ये शब्द का प्रयोग किया गया था। जैसे ही विभीषण को लंकेश कहा ना तो सब लोग चौंक गए। लगता है राम जी को भ्रम हो रहा है, उनको लग रहा होगा रावण आ रहा है। एक ने कहा, प्रभु ये रावण नहीं विभीषण है। भगवान ने कहा, मैं अच्छे से जानता हूं, जो आ रहा है वो विभीषण है, मैं अच्छे से जानता हूं, किंतु प्रभु आपने तो उसे लंकेश कहा। तो भगवान ने प्रकट कर दिया, क्योंकि मैं उसे लंकेश इसीलिए कह रहा हूं, भविष्य में लंका का राज्य इसी को मिलने वाला है, भविष्य में लंका उसी को मैं देने वाला हूं। एक भक्त गजब प्रश्न पूछा भगवान से, बहुत प्यारा भाव। एक बार मेरे राम से एक भक्त ने पूछा, प्रभु आप दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान हैं, कृपा सिंधु हैं, शरणागत वत्सल हैं, तो क्या जो आपके शरण में आएगा आप उसे सब कुछ देंगे? विभीषण शरण में आया तो आपने उसे लंका का राज्य दे दिया। राम ने कहा, मेरा तो स्वभाव ही है और सच तो है। यहां विभीषण जब शरण में आया तब भगवान ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। बाली को मारा तो किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दे दिया। बाली को मारा किसने था? सुग्रीव ने कि राम ने? तो विजेता कौन है? राम की सुग्रीव, बोलो ना। और नियम ये कहता है, हारने वाले का सामग्री, हारने वाले का साम्राज्य, हारने वाले की राज्य विजेता को हो जाता है। तो विजेता तो राम है, तो किष्किंधा किसकी हुई फिर, बोलो ना? राम की हुई। लेकिन उस किष्किंधा को भी राम ने सुग्रीव को दे दिया। कितनी दयालुता,